गांव में पली बड़ी थी। रेखा ने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की थी। उसने अपने जीवन में शहर कभी नहीं देखा था। उसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के रवि से हो गई। शादी के बाद शहर के रंग ढंग में रेखा को ढलने में वक्त लग रहा था। शादी के बाद उसकी पहली होली आ रही थी। रवि, आज घर जल्दी आना। आज क्या है? भूल गया, होली आने वाली है। हमारी शादी के बाद ये पहली होली है। हमें खरीदारी भी करने जाना है। होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। होली एकदम जीवन की तरह है, रंगों से भरा हुआ। ओ मैडम जी, यह आपका प्लान है, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए अब जाइए, फिर जल्दी घर भी आना है। दोनों शाम में होली की सारी खरीदारी कराते हैं। आपकी सारी शॉपिंग हो गई ना मैडम जी? सारी तैयारियां हो गई है होली की, अब तो बस होली का इंतजार है। तभी रवि के फोन की घंटी बजती है। रवि फोन पर बात करता है। किसका फोन था? मेरे छोटे भाई अनिल का फोन था। इस बार होली मनाने हमारे यहाँ आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं देवा जी से कभी मिली भी नहीं हूँ, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। होली में अब कुछ ही दिन बाकी थे। रवि का छोटा भाई अनिल होली मनाने रवि और रेखा के घर आ जाता है। अनिल विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसके ख्याल पूरी तरह से विदेशी हो गए थे। वे रेखा को गांव की गवार औरत समझता था और हमेशा उस पर अपनी नजर रखता था। इस बार तो होली में मजा ही आ जाएगा। शादी के बाद ये हमारी पहली होली है और देवा जी भी हमारे साथ है। जी भाभी, इस बार होली का रंग कुछ और ही होगा। रेखा को होली खेलना बहुत पसंद है। इस बार देवर भाभी होली में धमाल मचा देंगे, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। रेखा को हमेशा लगता था कि अनिल उसकी बेवजह तस्वीरें ले रहा है, उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। सुनो जी, मुझे ये अनिल कुछ ठीक नहीं लगता। क्या बात कर रही हो तुम? अनिल मेरा छोटा भाई है, भले ही बचपन से विदेश में रहकर पढ़ाई किया है, लेकिन आज भी उसने संस्कार हमारे हैं। रेखा बहुत ही खुले विचार वाली औरत थी। वे गांव की औरतों और बच्चों को सशक्त बनाने की प्रशिक्षण देती थी। उसे अच्छे और बुरे टच के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन रवि का छोटा भाई होने के कारण वे कुछ नहीं बोल पा रही थी। अनिल रेखा के पास आता है। भाभी एक गिलास पानी दीजिएगा। अभी लाई देवर जी। पानी का गिलास लेते वक्त अनिल रेखा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तभी वहाँ रवि आ जाता है और अनिल पानी लेकर वहाँ से चला जाता है। होली वाला दिन आ जाता है। सभी खुशी से एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। रेखा अनिल को रंग लगाती है, बदले में अनिल भी रेखा को रंग लगाता है। लेकिन जब अनिल रेखा को रंग लगा रहा होता है तो वह उसके बदन को बेवजह छूने की कोशिश करता है। रेखा को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वे उस समय कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब रेखा मिठाइयाँ लेने घर के अंदर जाती है, अनिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। देवर जी, आपको कुछ चाहिए था? जिसकी जिंदगी में आप हो, उसे और क्या चाहिए। ये क्या बोल रहे हो आप? आपने शराब पी रखी है? लेकिन नशा तो मुझे आपको देखकर हो रहा है। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेखा चिल्लाती है, लेकिन लाउड म्यूजिक होने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। रेखा अनिल को एक थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, गवार औरत, मुझे थप्पड़ मारा, अब देख मैं क्या करता हूँ। अनिल रेखा का ब्लाउज फाड़ देता है। रेखा चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ रवि आ जाता है। रेखा रोते हुए रवि के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना देवर जी मेरी इज्जत। यह क्या सुन रहा हूँ मैं अनिल? भैया, ये औरत झूठ बोल रही है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। गांव की औरत होती ही ऐसी है, जहाँ फायदा दिखा उधर ही फिसल जाती है। रेखा रोते हुए रवि के पीछे छुप जाती है। रवि अनिल को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसे अनिल नीचे फर्श पर गिर जाता है। मुझे रेखा पर पूरा भरोसा है, यह कभी ऐसा नहीं कर सकती। भैया, गांव की औरत के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा,
मैंने उस शैतान को थप्पड़ मारा है जो तेरे अंदर पल रहा है। आज त्योहार का दिन है, लोग होली का त्योहार खुशियां मनाने के लिए मनाते हैं, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए मनाते हैं, गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं, और तुम यहाँ एक पवित्र औरत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यही परवरिश दी है माँ पापा ने तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैं अपने संस्कार भूल गया था। भाभी माँ समान होती है। माफी मुझसे नहीं रेखा से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अनिल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रेखा ने भले ही अनिल को माफ कर दिया हो, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगा है उसे कोई नहीं भर सकता।